हिमाचल जन क्रांति पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल जन क्रांति पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्ल नाम की कंपनी ने हिमाचल के लगभग 20 लाख शहरियों का लगभग 800 करोड़ रुपए लूटा है। प्रदेश के राजनेता इसके कार्यक्रम में जाते थे, इसलिए इस कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ी और प्रदेश के लोगों ने उस कंपनी में डट कर पैसा लगाया। इतनी बड़ी लूट करने के बाद प्रदेश की एजेंसियों ने, जैसे पुलिस, सीआईडी ने कोई भी कदम उठाना उचित नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को ये निर्णय दिया कि पर्ल की जितनी भी प्रॉपर्टी है देश के अंदर, उनको सीबीआई पहचान कर और सेबी उसको अधिग्रहण करने ऑप्शन करके जो देश के अंदर लूट हुई है उसका पैसा वसूल करके जो उपभोक्ता है उनको पैसा वापस दें। परंतु आज दिन तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर्ल, सहारा, चिटफंड कंपनियां जो करवाती रही हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ ये पार्टियां लूट करती रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बावजूद और पर्ल के सलाहकार केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली थे, स्वयं वित्त मंत्री होते हुए भी उन्होंने उपभोक्ताओं का पैसा भुगतान करवाने के बजाय सहारा के प्रति नरम पक्ष रखा। सुभाष शर्मा ने बताया कि हिमाचल जनक्रांति पार्टी हिमाचल के 20 लाख लोगों की लूट को सहन नहीं करेगी और आने वाले दिनों में अगर तुरंत पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। हिमाचल सरकार से अनुरोध है कि सोलन में विक्टोरिया होटल और बद्दी में पाम होटल पर्ल की प्रॉपर्टी है उसको तुरंत अधिग्रहण करे और हिमाचलियों को इस समस्या से निजात दिलवाए। हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्ल नाम की एक कंपनी ने हिमाचल के कम से कम 20 लाख शहरियों का 800 करोड़ रुपए के लगभग पैसा लूटा है। प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता उनके फंक्शन में जाते थे, इसलिए उस कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ी और प्रदेश के लोगों ने उसमें डटकर पैसा लगाया। इतनी बड़ी लूट करने के बाद भी प्रदेश में प्रदेश की एजेंसियों ने, जैसे पुलिस है, सीआईडी है, उन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को यह निर्णय दिया कि पर्ल की जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं देश के अंदर उनको सीबीआई आइडेंटिफाई करे और सेबी उसको अधिग्रहण करके ऑक्शन करके जो देश के अंदर लूट हुई है उसका पैसा जो है वसूल करके जो उपभोक्ता है उसको जो है वो पैसा वापस करे। परंतु आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग पर सहारा और ये चिटफंड कंपनियां जो करवाती रही हैं और उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टियों के जर्रे साये में ये पार्टियां लूट करती रही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बावजूद और पर्ल के एडवाइजर माननीय जेटली जी थे, स्वयं वित्त मंत्री होते हुए भी उन्होंने उपभोक्ताओं का पैसा भुगतान कराने के बजाय सहारा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। हिमाचल जन क्रांति पार्टी हिमाचल के 20 लाख लोगों की लूट को सहन नहीं करेगी। आने वाले दिनों में अगर तुरंत ये पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो संघर्ष की ओर जाएगी। और हिमाचल सरकार से भी अनुरोध है कि सोलन में विक्टोरिया होटल और बद्दी में पाम होटल पर्ल की प्रॉपर्टी है उसको तुरंत एक्वायर करें और इसी ढंग से देश के अंदर जो प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है हिमाचलीज के हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर स्वयं अधिग्रहण करके हिमाचलीज को इस समस्या से बाहर निकालें। सुभाष शर्मा ने मौजूदा और पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि हिमाचल के अंदर बेरोजगारी एक विकट समस्या है जो कि पिछली सरकारों ने गलत नीतियां जो हैं उसके कारण विकट रूप से खड़ी हुई हैं। आज लगभग 15 लाख बेरोजगार लोग हैं और बेरोजगारी की समस्या के कारण प्रदेश के युवा नशे में पड़ रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। 3 लाख नियुक्तियाँ बजट के अंदर प्रदेश सरकार विधानसभा में पारित करती है, आज भी 1.5 लाख से अधिक पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। उसकी भर्ती करने को सरकार तैयार नहीं है।
अगर किसी की भर्ती कर भी रही है तो सरकार मजाक कर रही है। क्या 70 साल बाद प्रदेश के युवा ठेकेदारी में लगेंगे? जिन लोगों को कभी पेंशन नहीं मिलती थी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, MP, वे सभी पेंशन भोगी हो गए हैं। जो ब्रिटिश समय से पेंशन भोगी थे, आज उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 70% बेरोजगारी दूर करने का समझौता है कि वहां पर हिमाचलियों को रोजगार मिलेगा, परंतु दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक हित साधती रही हैं और बेरोजगारों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि आज बेरोजगारियों की संख्या 15 लाख के लगभग पहुंचने वाली है। उन्होंने आग्रह करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश की वर्तमान सरकार से कहा है कि इसके ऊपर कोई स्थायी नीति लाएं, अन्यथा जनक्रांति पार्टी आने वाले दिनों में इसके ऊपर जोरदार आंदोलन करेगी। सुभाष शर्मा ने लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि हिमाचल जनक्रांति पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस समय कांग्रेस पार्टी और भाजपा के उम्मीदवारों को देखा जा रहा है, दोनों राजनीतिक पार्टियां उनके संपर्क में हैं। राजनीतिक पार्टी है, राजनीति के लिए आई है और चुनाव लड़ेगी। अभी हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को देख रहे हैं कि कौन कौन उम्मीदवार आता है, उसी के देखकर हम अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। और 3 मार्च को लॉन्च हुई है, परंतु BJP और कांग्रेस के धुरंधर आज भी हमसे काफ़ी संपर्क कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले, क्योंकि BJP और कांग्रेस से कई जो है वो विक्टिम हैं। इस दौर में भी हैं, विधानसभा के भी हैं, काफ़ी एक लंबी सूची है जो प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियों द्वारा प्रताड़ित है। तो ऐसे लोग भी पार्टी के संपर्क में, परंतु हमारी प्रेफरेंस युवाओं की ओर है, नए लोगों की ओर है, और नए और पुरानों का मिक्सर भी चलेगा, परंतु ज़्यादा प्राथमिकता जो है हमारी नए चेहरों पर ही रहेगी।